वो आपको सभी बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वी विल रिजॉल्व, डोंट वरी। और जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जो बाहर से हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं जी, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वी विल रिजॉल्व, डोंट वरी। मैं भी ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू रिक्रूटमेंट हुई थी जी। श्रीनगर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद से इफ आई एम राइट नवंबर तक सारे जितने ड्यूज थे वो क्लियर हो गए थे जी। जितने भी सैलरी थी डीआरडीओ की उनकी रिलीज हो चुकी थी, उनको सैलरीज मिल चुकी थी। और यहाँ पे सिर्फ ये इसी प्रोसेस में जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको बोला गया आपको आज मिलेगी, नेक्स्ट मंथ मिलेगी या उससे नेक्स्ट मंथ मिलेगी, बट इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। और एम्प्लॉयज हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिनको अपने घर पे भी एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं तो वो भी नहीं दे पा रहे। डीआरडीओ हॉस्पिटल ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आम जनता के लिए कोविड में कोई भी संतुष्टि भरा कार्य जो है वो सरकार कर नहीं पा रही है और यहाँ पर उनको रख कर उनकी ट्रीटमेंट आराम से करवा सके। पर अब सवाल क्या था, जो यहाँ पर काम करने के लिए कोरोना वॉरियर तो सामने आ गए, उन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, पर क्या उनको आज तक उनकी सैलरी मिल पाई है? वो कोई 10 20 30 40 नहीं 195 हैं, पर उनके लिए कोई भी बात करने को ना तो तैयार हो रहा है ना कोई करना चाहता है। बात ये भी बताते चलें कि डीआरडीओ श्रीनगर में भी मतलब कश्मीर में भी एक बनाया गया था, पर सवालिया निशान ये था कि वहाँ पर भी सैलरी का इशू था बट अब वो क्लियर हो गया है, पर जम्मू में आज तक नहीं। एक शख्स मेरे साथ बातचीत करेंगे, उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बट वो आपको अपनी पूरी व्यथा बताएंगे कि आखिरकार कितने और लोग परेशान हो रहे हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। क्या परेशानी आ रही है, अभी तक क्यों आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है? मैम डीआरडीओ में हमारी जब जॉइनिंग हुई थी जून के बाद जी, सेकंड वेव जब चल रहा था डीआरडीओ हॉस्पिटल में, यहाँ पे जितना भी स्टाफ रिक्रूट किया गया था डीआरडीओ के द्वारा तो उसमें हमें भी रिक्रूट किया गया था, तो जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसके बाद जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी इनको करना था वो किया, उसके बाद हमने जून से अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर ली जी। तो फर्दर फिर जब कोविड के कुछ केसेस कम होने लगे तो इन्होंने हमें डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएट हॉस्पिटल्स में डाल दिया जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कोविड के रिलेटेड केसेस के लिए। भी हमारे जो जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सारे वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो फिर ऐसे ही इसी प्रोसेस में 2-3 मंथ्स जो है वो हमारे निकल गए। तो फिर हमसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह लिए गए तो बोला गया कि आपकी जो सैलरी है वो जल्दी ही रिलीज की जाएगी। फिर हमसे कुछ फॉर्म वगैरह फिल करवाए गए वेरिफिकेशन के लिए जी। तो तब उस प्रोसेस में भी 2-3 मंथ्स हमने वेट किया कि चलिए टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, तो कोई हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है, 2-3 मंथ्स तक हम किसी तरह से अपने आप को निकाल लेंगे टाइम। बट जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि 2-3 मंथ्स होने के बाद भी इन्होंने बोला कि अभी नहीं हम आपको सैलरी दे पा रहे हैं, कुछ बच्चों के पैन कार्ड नहीं आए या आधार कार्ड या, तो फिर दोबारा बच्चों ने वो चीजें प्रोवाइड करी जी। जिन बच्चों का पेंडिंग था उन सबने प्रोवाइड करा, तो फिर उसके बाद भी सैलरी नहीं आई जी। तो उसके बाद दोबारा से इन्होंने बोला कि आप हमें एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट दे दें लेके कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं जो भी हमारी डिग्रीज हैं तो ये सब ओरिजिनल हैं, अगर इन सम केसेस अगर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फेक निकलता है तो वी आर रेडी टू पे बैक, जो हम लेंगे वो हम वापस कर दें। वो भी हमने किया, उसके बाद भी इन्होंने हमारी सैलरीज जो है वो रिलीज नहीं की। और जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ लगाया गया है वो सारे आउट ऑफ जम्मू है, मतलब जम्मू के बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास अपना घर होगा। मैक्सिमम जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बाहर से हैं, कोई रेंट पे रह रहा है, किसी ने पीजी रखा है, जैसे गर्ल्स हैं उन्होंने पीजीज लिए हैं। तो इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन कि वो अपने पॉकेट मनी से अपने खर्चे से इतना अपना सर्वाइव कर सके जम्मू जैसी सिटी में जहाँ पे हर एक चीज का खर्चा होता है। और जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एम्प्लॉयज को भेजा जा रहा था जैसे जीएमसी में शालामार में, तो उनको वो एक्सपेंस भी खुद से ही उठाना पड़ रहा था जी। तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आई। फिर आज इतना टाइम हो गया है कि अब बच्चे जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मजबूर हो चुके हैं। आम जनता को ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप मई महीने की कौन सी तारीख या जून महीने की कौन सी तारीख से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैम जून के फर्स्ट वीक से ही ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज ने ज्वाइन कर लिया था,
अब ये है कि जो श्रीनगर में भी ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू रिक्रूटमेंट हुई थी जी, श्रीनगर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद से इफ आई एम राइट नवंबर तक सारे जितने ड्यूज थे वो क्लियर हो गए थे जी, जितने भी सैलरी थी डीआरडीओ की उनकी रिलीज हो चुकी थी, उनको सैलरीज मिल चुकी थी। और यहाँ पे सिर्फ ये इसी प्रोसेस में जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको बोला गया आपको आज मिलेगी, नेक्स्ट मंथ मिलेगी या उससे नेक्स्ट मंथ मिलेगी, बट इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। और जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जो बाहर से हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं जी। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना क्योंकि हर कोई साउंड फैमिली से नहीं आता है, किसी को अपना घर भी चलाना है। बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयज हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिनको अपने घर पे भी एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये बताएं वो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हमारी सैलरी का कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं कर रहा है, बस उनको ड्यूटीज चाहिए, हमें कोविड वॉरियर्स बोला जा रहा है, हमसे काम लिया जा रहा है फुल फ्लेज, तो यही चल रहा है। तो 7 महीने हो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये कोई छोटा मोटा टेन्योर नहीं है, टाइम नहीं है कि हमें सैलरी ना दी जाए। वेरिफिकेशन के लिए भी हमें जो भी उन्होंने बोला हमने सारे प्रोसेस के थ्रू किए, हम ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा प्रोसेस के थ्रू नहीं गया, जो उन्होंने बोला जो चीज़ उनको चाहिए थी जो हमसे इंफॉर्मेशन वो ले सकते थे वो हमने उनको प्रोवाइड करी, उन्होंने जिस फॉर्म के लिए बोला हमने वो फिल करके दिया, उन्होंने बैंक डिटेल्स आधार कार्ड पैन कार्ड दो दो तीन तीन बार लिए हमने वो भी दिया। क्यों लगता है कि आपके साथ ये भेदभाव हो रहा है, कोरोना वॉरियर बोलने के बाद भी आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए अब ये हमें कोई भी जो एक फुल फ्लेज क्लियर इन्फॉर्मेशन है ना वो नहीं दी जा रही है कि आपकी सैलरीज क्यों नहीं आ रही है, हालांकि आनी चाहिए। अगर श्रीनगर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज हैं वो जो लगे हैं वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं उनको अगर सैलरीज आ सकती है तो हमें क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल, हम एग्जैक्टली वही ड्यूटीज वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, बट हमारी सैलरीज जो हैं वो नहीं आ रही हैं। हमने रिक्वेस्ट भी की, हमने 2-3 बार बोला भी, और हमने इवन इतने एम्प्लॉयज हैं किसी ने भी कोई मास बंकिंग नहीं करी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको देख के सारे काम कर रहे हैं कि सिचुएशंस जो है वो काफी टफ हैं और सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और अब लिटरली जो है सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं तंग पड़ चुके हैं क्योंकि विदाउट मनी आप कितनी देर सर्वाइव करोगे, और वो भी जम्मू में, जबकि जम्मू के शहर के लोग जो होंगे 2-4 होंगे, उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब बाहर से हैं, कोई रजौरी से, कोई सांबा से, कोई किश्तवाड़ से, कोई कहाँ से, तो बहुत मुश्किल है। सारे रेंट पे रहते हैं, कोई हमें कोई अकोमोडेशन नहीं है, कोई फूड फैसिलिटीज ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है सर्वाइव हो रहा है, हर कोई अपने एक्सपेंसेस पे रह रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, थैंक यू सो मच। हमने डिवकॉम जम्मू मिस्टर राघव से भी बातचीत करने की कोशिश की है इसी टॉपिक को लेकर, चलिए उन्होंने क्या कहा आपको बताने की कोशिश करते हैं। बात है कि 195 लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है जब से वो लगे हैं, क्या इस बारे में डिस्कशन अभी तक आपको सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वी विल रिजॉल्व डोंट वरी। कोई लगातार 1 महीने काम करता है और उसके बाद उसकी आस यही चीज पे होती है कि अब हमको उस पगार मिले और उस पगार के साथ हम अपना घर का निर्वाह कर सके, पर इस समय घर का निर्वाह करना तो जरूर दूर हो रहा है, जरूर दूर हो रहा है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय उनका यहाँ पर रहने का खर्चा भी उन्हीं के सर पर जा रहा है, क्योंकि वो लोग मोस्टली जम्मू के नहीं, जम्मू शहर के नहीं, बल्कि सांबा कठुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुकात रखते हैं। अभी तक ना उनकी बात को कोई सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, क्या आने वाले समय में ऐसा हो पाएगा? एक सवाल, दूसरा सवाल, ये तो एक राइट होता है आम जनता का कि अगर वो काम करे उसको उसकी पगार मिलनी चाहिए, जितने दिन वो काम करे उतने दिन की पगार तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर तो वो भी मिलने को तैयार नहीं है, ना कोई बात करने को तैयार है ना कोई बोलने को तैयार है। अभी तक बात करें प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो उन्होंने भी आज तक एक बार भी इस बात पर ना तो बोलने की कोशिश की ना समझने की कोशिश की। यहाँ पर भी हमने सुपरिटेंडेंट साहब से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, बोला कि अगर आपको बातचीत करनी है तो प्रिंसिपल साहिबा के पास चले जाइए, वो आपको बता सकती हैं, पर प्रिंसिपल साहिबा तो प्रिंसिपल साहिबा हैं, बोलने को तैयार तो होती ही नहीं। तो आखिरकार इनका मसला फिर सुनेगा कौन, समझेगा कौन, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।